नमस्कार दर्शकों, खबरों की खबर कार्यक्रम के इस पार्ट में आज की पड़ताल में हम देश दुनिया में शादी ब्याह के अलग अलग तौर तरीकों और रीति रिवाजों के बारे में जानेंगे। साथ ही असफल शादियों और तलाक के पीछे के कारणों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं महंगी शादियों का वो सच जो आप जानना चाहते हैं। शादी एक ऐसा बंधन है जो दो लोगों को एक दूजे के साथ एक पवित्र बंधन में बांध देता है। वर्तमान समय में पूरे विश्व में शादी ब्याह रचाने के कई और तौर तरीके और भिन्न भिन्न रीति रिवाज अपनाए जाते हैं। आम तौर पर विवाह को दो तरीकों से किया जाता है, एक है सिविल मैरिज और दूसरा है रिलीजियस मैरिज। देश दुनिया में अधिकतर लोग विवाह करने के लिए इन दोनों ही तरीकों को एक साथ अपनाते हैं, क्योंकि धार्मिक क्रियाओं के अनुसार किए गए विवाह को देश की सरकार की मान्यता प्राप्त करवाने के लिए सरकारी पंजीकरण करवाना अनिवार्य होता है। सभी धर्मों के लोग अपने धर्म में प्रचलित रीति रिवाजों से विवाह करते हैं। मुस्लिम संप्रदाय के अलावा ज्यादातर सभी धर्मों में एक पुरुष केवल एक ही स्त्री के साथ विवाह कर सकता है। ईसाई धर्म में विवाह को वेडिंग कहा जाता है, तो वही मुस्लिम धर्म में विवाह को निकाह कहा जाता है, और इसी तरह हिंदू धर्म में शादी कहा जाता है और सिख धर्म में ब्याह कहा जाता है। जैन धर्म, सिख धर्म और बौद्ध धर्म में भी शादी ब्याह के अपने अलग अलग तौर तरीके हैं। इसके अलावा हिंदू धर्म में भी कई अलग अलग तौर तरीकों से विवाह किए जाते हैं। पुराणों के अनुसार विवाह 8 प्रकार के होते हैं: ब्रह्म, देव, आर्य, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच। यह 8 प्रकार के विवाह माने गए हैं। प्राचीन काल की बात है जब न कोई मजहब था और न ही कोई जात पात। यह कहानी उस प्राचीन समय की है जब इस ब्रह्मांड की रचना भी नहीं हुई थी। पवित्र देवी भागवत महापुराण के अनुसार जब देवी दुर्गा की कोख से रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी और तमोगुण शंकर जी का जन्म हुआ, उनके युवा हो जाने के बाद माता ने अपनी ही शक्ति से 3 देवियों को बनाया, जिनका नाम श्री सावित्री जी, श्री लक्ष्मी जी और श्री उमा जी रखा। उस समय न तो कोई पंडित था और न ही कोई बाराती, न कोई नाच गाना डीजे था और न ही कोई मेहंदी, हल्दी, संगीत आदि की रस्में। श्री दुर्गा जी ने अपने 3 पुत्रों का विवाह केवल अपने वचन से, श्री ब्रह्मा जी का विवाह श्री सावित्री जी से, श्री विष्णु जी का श्री लक्ष्मी जी से और इसी तरह श्री शंकर जी का विवाह श्री उमा जी से किया। 3 लोक के अधिपति माने जाने वाले श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी और श्री शिव जी का विवाह बड़े ही साधारण तरीके से हुआ। तो फिर क्या कारण है कि हिंदू समाज के इष्ट भगवानों का साधारण तरीके से विवाह होने के बाद भी आज समाज में हो रहे विवाह इतने आडंबरों, पाखंडवाद, जातिवाद, भेदभाव, दहेज और अन्य बहुत सी सामाजिक बुराइयों के ठेके बन चुके हैं? तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। वर्तमान समय में अश्लीलता और असभ्यता अपनी चरम सीमा पर है। पश्चिमी संस्कृति की ओर अग्रसर होने की इस दौड़ में लोग इस तरह से भेद चाल चल रहे हैं जैसे वे अंधभक्त हो। विवाह एक पवित्र रिश्ता है, सभी जोड़ों के विवाह परमात्मा पहले से ही करके भेजता है। इसे साधारण तरीके से करो या अपनी आर्थिक शक्ति का दिखावा करने के लिए। आइए अब इन फिजूल खर्ची से भरे विवाहों के पीछे के कुछ कारणों पर नजर डालते हैं। सबसे पहला कारण है बॉलीवुड। बॉलीवुड की फिल्में देखकर गरीब घर की बहन बेटियां अपनी शादी के सपने देखने लगती हैं। फिल्मों में बड़े महंगे और फिजूल खर्ची से भरे विवाह दिखाए जाने के बाद लाखों लड़कियां ठीक वैसे ही विवाह करना चाहती हैं। इन्हीं फिल्मों को देखकर बच्चे स्कूल से ही चरित्रहीन हो जाते हैं और पढ़ाई करने की बजाय किसी के साथ लव अफेयर चला लेते हैं। परिणाम स्वरूप लड़के लड़कियां जवान होकर भाग कर प्रेम विवाह रचाते हैं। दूसरा कारण है पश्चिमी संस्कृति बनाम आधुनिकता, जिसके कारण भारतीय शादियां विश्व में बिग फैट वेडिंग्स के नाम से भी जानी जाती हैं। देश में हर साल लगभग 1 करोड़ शादियां होती हैं और इन शादियों पर अरबों खरबों रुपया पानी की तरह बहाया जाता है। भारत को अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे महंगा और बड़ा वेडिंग मार्केट माना जाता है। भारत में फिजूल खर्ची और बाहरी आडंबर करने का रिवाज कभी था ही नहीं। इस पवित्र भूमि पर शादी ब्याह बड़े ही साधारण तरीके से रचाए जाते थे। पुरातन समय में बारात में वर पक्ष के साथ केवल 3 से 4 लोग जाया करते थे, जिसमें लड़के की सगी माँ और बहनें भी शामिल नहीं हुआ करती थी। शादी की रस्मों में दूल्हा दुल्हन को कोई विशेष श्रृंगार भी नहीं किया जाता था। मेहंदी, हल्दी, लिपस्टिक आदि बाहरी आडंबर भी तब नहीं हुआ करते थे। दहेज रूपी दानव का जन्म भी तब तक समाज में कभी नहीं हुआ था।
लेकिन अब पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव, दिखावे और झूठी शानो शौकत की आड़ में लोग अपने जीवन की पूरी कमाई को शादी ब्याह करने पर खर्च कर देते हैं और अधिकतर माता पिता अपनी संतान की शादी करने के कारण कर्जदार हो चुके हैं। सबसे अधिक महंगी और सबसे अच्छी शादी करने की होड़ में अंधाधुंध पैसा खर्च करने में अमीर लोगों को कोई हिचक नहीं। शादियों को नए नए तौर तरीके से करने के ट्रेंड चल पड़े हैं, जिसे वेडिंग प्लानर कहते हैं। कभी अखबार और न्यूज चैनलों पर पढ़ने और देखने को मिलता है कि दूल्हा दुल्हन ने शादी में हेलीकॉप्टर से एंट्री की, तो किसी ने पानी के जहाज से एंट्री की, और किसी ने 10 करोड़ खर्च किया तो किसी ने 50 करोड़। किसी की शादी में 100 प्रकार के पकवान थे तो किसी की शादी में 100 अलग अलग प्रकार के फूलों की सजावट थी। इन महंगी शादियों का कारोबार आधुनिकता, दिखावट और अधिक धनी लोगों के कारण ही फल फूल रहा है, और इससे सबसे ज्यादा नुकसान गरीब परिवारों को और अधिक कर्जदार और मजबूर बना रहा है। रिसर्च संस्था KPMG की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री का साइज 40 से 50 बिलियन डॉलर यानी कि लगभग 3 लाख करोड़ रुपयों का है, और अमेरिका का वेडिंग मार्केट इसका लगभग 2 गुना यानी कि 70 बिलियन डॉलर के आसपास है। तो आइए अब जानते हैं कि क्या महंगी शादी यानी कि जहां विवाह करने पर धन लाखों करोड़ों रुपयों में खर्च किया जाता है, वैवाहिक सफलता की गारंटी है। अधिक महंगी और दिखावटी शादी शादी को सफल बनाने और चलाने का मंत्र कतई नहीं है। वर्तमान समय में समाज इतना असभ्य हो चुका है कि अधिकांश विवाह सफल नहीं हो पाते और तलाक का रूप ले लेते हैं। हर साल संयुक्त राष्ट्र जैसे विश्व संगठन वैश्विक तलाक दर को दर्ज करते हैं। साल 1960 के बाद पूरे विश्व भर में तलाक दर 251.8% तक बढ़ गया है। लक्समबर्ग, स्पेन, फ्रांस, अमेरिका और रूस जैसे देशों में तलाक की दर सबसे अधिक है, जबकि हर 1000 शादियों में से भारत में हर 13 विवाह तलाक में समाप्त होते हैं। भारत में लगभग हर साल 1 करोड़ से भी अधिक लोग तलाकशुदा हो जाते हैं, जो विवाहित आबादी के 0.244% और कुल आबादी के 0.11% के बराबर है। संयुक्त राष्ट्र की साल 2019-2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले 2 दशकों में तलाक की संख्या 2 गुनी हो गई है। क्या आप जानते हैं कि कोर्ट में तलाक से ज्यादा सेपरेशन के केस लटके पड़े हैं? भारत में तलाक से जुड़े मामले कोर्ट में लंबे समय तक अटके रहने की वजह से यहां तलाक से ज्यादा सेपरेशन के मामले मिलते हैं। सेपरेशन में पति पत्नी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, लेकिन उसे सरकारी कागजों में दर्ज नहीं करवाते, और यही कारण है कि भारत में तलाक के दर्ज मामलों की संख्या कम और सेपरेशन की संख्या अधिक है। भारत में तलाक और अलग रहने के मामलों में शहरों और गाँवों में बहुत कम अंतर है। शोधकर्ताओं का कहना है कि यह आंकड़ा बहुत ही हैरान करता है। लोगों का किसी वर्ग से ताल्लुक रखने या न रखने का शायद ऐसे मामलों पर असर होता हो, लेकिन आप शहरी हैं या ग्रामीण, इसका कोई खास असर नहीं दिखाता। तो आइए अब जानते हैं कि आखिर क्यों एक विवाह तलाक पर आकर खत्म हो जाता है और तलाक के लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं। पहला कारण है दहेज। भारत जैसे विशाल और विकासशील देश में दहेज तलाक का एक मुख्य कारण है। भारत के लगभग सभी राज्यों में आज भारी मात्रा में दहेज की लेन देन की जाती है। NCRB की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में दहेज की वजह से हर 1 घंटे 1 व्यक्ति की जान जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में दहेज प्रथा की वजह से कुल 7,162 लोगों की मौत हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश और बिहार में 2,424 और 1,127 के आंकड़ों के साथ प्रथम और दूसरे स्थान पर है। दहेज निषेध अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की संख्या 2018 में 690 से बढ़कर 2019 में 739 हो गई। 2017 में यह संख्या 727 थी, तो वहीं दहेज हत्या की संख्या 2018 में 48 से बढ़कर 52 हो गई। यह कानून सरकार द्वारा 1961 में बनाया गया था। इस दहेज निषेध अधिनियम के तहत भारत में दहेज का लेन देन गैर कानूनी है, जिसके तहत दहेज देना और स्वीकार करना दोनों ही अपराध है। कानून का उल्लंघन करने की सजा 5 साल की कैद और 15,000 रुपए जुर्माना या दिया गया दहेज का मूल्य, जो भी अधिक हो उसका भुगतान करना होता है। दूसरा प्रमुख कारण है घरेलू हिंसा। भारत में महिलाओं के साथ बहुत अधिक हिंसा की जाती है। 2018 के
आंकड़ों के मुताबिक पति और रिश्तेदारों द्वारा महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के मामले करीबन 32% है, मतलब करीब एक तिहाई। पुलिस ने 2018 में महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा के 1,03,272 ऐसे मामले दर्ज किए गए थे। भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वे के मुताबिक 2015-16 के दौरान 33% औरतों को किसी न किसी रूप से अपने पति द्वारा हिंसा का शिकार होना पड़ा, फिर चाहे वो शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक स्तर पर हो। 2020 की शुरुआत में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के शुरुआती 3 हफ्तों में यानी कि 23 मार्च से 16 अप्रैल के बीच महिला आयोग में घरेलू हिंसा के 239 मामले दर्ज किए गए थे। और इसी तरह तीसरा कारण है मानसिक शोषण। ऐसा नहीं है कि कोई किसी को सिर्फ शारीरिक रूप से ही चोट पहुंचा सकता है, शब्दों के तीर भी बहुत गहरे जख्म देते हैं। घर में अगर महिला के साथ बार बार बहस की जा रही हो, उसे उसके पति, सास ससुर या परिवार के अन्य किसी सदस्य द्वारा ताने, उल्हाने, प्रताड़ना या किसी भी बात या बिना बात के जानबूझकर जबरदस्ती दोषी ठहराए, उसके साथ दुर्व्यवहार करे, उसकी कीमत न समझे, उसके काम को अहमियत न दे, उस पर बार बार चिल्लाए, उसके साथ गाली गलौज करे, नीचा दिखाए, तो भी पति पत्नी का रिश्ता तलाक की ओर बढ़ सकता है। पत्नी द्वारा पति की अनदेखी, अपेक्षा करना और उससे सम्मान न देना या उसके साथ बदतमीजी से बात करना भी सही नहीं है। यह अपमानजनक होने के साथ उन दोनों के संबंध में मानसिक तनाव का भी कारण है। चौथा और सबसे अहम कारण है आध्यात्मिक ज्ञान की कमी। उपरोक्त बताई गई सभी समस्याओं का हल आध्यात्मिक ज्ञान से हो सकता है और इसीलिए सबसे बड़ा कारण हम आध्यात्मिक ज्ञान की कमी को कह सकते हैं। पश्चिमी देशों व भारत में आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव सदियों से रहा है। सद्भक्ति साधना बताने वाला कोई विरला संत ही होता है। आध्यात्मिक विचारों की कमी के कारण नकारात्मक विचार हमारे मस्तिष्क में घर कर जाते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में हम उच्च विचार और सदा जीवन जीने की हमारी शैली को भी भूल चुके हैं। पहले अधिक धन अर्जित करो और फिर उसे जमा करो और बाद में उसे शादी विवाह पर खर्च करना भारत में होने वाले विवाहों की झूठी तस्वीर, नकली परंपरा और रीति रिवाज बन चुके हैं, पर अब यह आडंबर खत्म करने का समय आ चुका है। ऐसे न्यूज ने अपनी पड़ताल में यह पाया कि जिस प्रकार माता दुर्गा ने अपने 3 पुत्रों का विवाह साधारण तरीके से किया था और उस प्रकार विवाह करने से उनका विवाह सफल भी हुआ था, आज मानव समाज ने विवाह को मनोरंजन और लोक दिखावे का एक स्रोत बना दिया है, जिससे गरीबों का शोषण हो रहा है। दहेज की आड़ में लाखों औरतें आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाती हैं या मार दी जाती हैं। ऐसे में समाज को चाहिए कि बड़े ही साधारण तरीके से बिना कोई फिजूल खर्ची के दहेज रहित विवाह रचाए। ऐसे न्यूज ने संत रामपाल जी महाराज के लाखों अनुयायियों द्वारा किए जा रहे दहेज रहित विवाह की पड़ताल की। जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दहेज मुक्त भारत अभियान के तहत मात्र 17 मिनट में कबीरवाणी से रमेणी विवाह संपन्न कराया जाता है। यह विवाह बिना किसी दान दहेज, बारात, शोर शराबे, दिखावे, पकवानों, रीति रिवाजों, तौर तरीकों, पंडितों, दक्षिणा दिए आडंबर रहित सादगी पूर्वक संपन्न होते हैं। आमतौर पर शादी में दुल्हन को मेहंदी, महावर आदि लगाया सजाया जाता है, तो वहीं दूल्हे भी सज धज कर तैयार होते हैं और शादी में लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, तो वहीं कबीरपंथी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अपने बच्चों की शादियां गुरु परंपरा के अनुसार बहुत ही सादगी पूर्वक करते हैं, जिसमें वर एवं वधु बिना खर्चे के विवाह बंधन में बंध जाते हैं। यह शादी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा समाज को एक ऐसा संदेश देती है जहां जाति पाति, ऊंच नीच, लोक दिखावे की भावना से ऊपर उठकर एक नया मानव समाज का निर्माण करना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जी असल में विश्व को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक ज्ञान और विचारों को अपनाने से ही देश को दहेज रूपी दानव से मुक्त किया जा सकता है।